भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि कोरोना के खात्मे को लेकर जब तक हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होंगे तब तक दिल्ली में स्कूल नहीं खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य आप सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयासों से दिल्ली में कोरोना की स्थिति को नियंत्रण में लाया गया है। केजरीवाल ने कहा कि जब मैं लोगों से मिलता हूं तो वो अभी स्कूल नहीं खोलने के लिए विनती करते हैं। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमें भी उनके बच्चों की उतनी ही चिंता है जितनी उन्हें होती है। जब तक वे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते हम स्कूल नहीं खोलेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास जारी हैं। वो कहते हैं कि उन सभी कोरोना वॉरियर्स का वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की है। आप सभी ने बहुत पुण्य का काम किया है, मैं आप सभी को नमन करता हूं। केजरीवाल आगे कहते हैं कि आज दिल्ली में कोविड 19 की स्थिति काफी हद तक काबू में है। इसी के अलावा केजरीवाल कहते हैं, मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व काम किए हैं। पिछले 5 वर्षों में जब हर जगह प्रदूषण बढ़ रहा था, दिल्ली शायद एकमात्र शहर था जहां लोगों ने इसे 25% तक कम करने में मदद की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली सचिवालय और अपने सरकारी आवास पर फ्लैग होस्टिंग की। फ्लैग होस्टिंग के बाद केजरीवाल ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।